ये वीडियो उस वक्त का है जब इटली के लैम्पेदूसा में प्रवासी नाव के डूबने के बाद अफरा तफरी मच गई। इटली के लैम्पेदूसा में प्रवासी नाव के डूबने से अब तक 2 लोगों की मौत की खबर आई है और तटरक्षक बल ने तकरीबन 57 लोगों को बचाया है। ये उसी दौरान का वीडियो है जिसे इटली की तटरक्षक बलों ने जारी किया है। इस बचाव कार्य में 57 लोगों को समंदर से जिंदा बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि 2 नाव के डूबने के बाद अब तक 30 से ज्यादा लोग लापता हैं। समाचार एजेंसी के मुताबिक ट्यूनिशिया के प्रवासन संकट के केंद्र SFX बंदरगाह से रवाना हुए थे 2 प्रवासी नाव जो कि यूरोप की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच में तूफान की वजह से ये नाव पलट गए। तटरक्षक बल के अनुसार एक नाव में करीब 48 लोग सवार थे और दूसरे में 42 लोग सवार थे। कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक जो लोग बचे हैं वो लैम्पेदूसा द्वीप से लगभग 86 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मिले हैं और अब तक 57 लोगों को कोस्ट गार्ड्स ने जिंदा रेस्क्यू कर लिया है। कोस्ट गार्ड्स के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि वो केवल जीवित बचे लोगों की संख्या और 2 शवों की बरामदगी की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा बाकी लोग कहाँ हैं इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। इटली की गश्ती नौकाओं और NGO समूहों द्वारा समुद्र में बचाए जाने के बाद पिछले कुछ दिनों में तकरीबन 2000 से अधिक लोग लैम्पेदूसा द्वीप पहुंचे हैं। इस दुर्घटना को लेकर स्थानीय मीडिया कहती है कि लैम्पेदूसा द्वीप पहुंचने पर उनकी नाव जो है वो चट्टानों से दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और जिसमें शुक्रवार से लगभग 20 प्रवासी एक चट्टान पर फंस गए थे। हालांकि तटरक्षक बल समुद्र या हेलीकॉप्टर के रास्ते उन तक पहुंचने में असमर्थ रहे हैं। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान का वीडियो कोस्ट गार्ड्स ने बाकायदा रिलीज किया है कि कैसे उन्होंने उन तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जो बीच समंदर में नाव पलटने के बाद जो है वो समंदर में अपनी जिंदगी को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, क्योंकि समंदर में पानी का बहाव बहुत तेज था, लहरें थीं और इन लहरों में कई घंटों तक ये तमाम लोग खुद को जिंदा रखने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। जो लोग बचे हैं उनके पास से आप देखेंगे कि इसमें उनके पास टायर्स होंगे जिनकी मदद से वो घंटों पानी में फ्लोट करते रहे, जिसके बाद वहाँ पर जैसे ही कोस्ट गार्ड की टीम पहुँची उन्होंने तुरंत ही उन तमाम लोगों को मदद पहुँचाई। और ज़्यादातर बचने वाले लोगों में से वही लोग हैं जिनके पास ट्यूब्स थे जिनमें हवा भरा हुआ था, जिसकी मदद से वो अपने आप को घंटों पानी में जिंदा रख पाए हैं। रेस्क्यू का ये वीडियो इटालियन कोस्ट गार्ड ने जारी किया है, जिसे देखकर थोड़ा डर तो लगता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब तक 57 लोगों को जो है बचा लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।